किसी भी प्रोसीजर में उसके इक्विपमेंट्स के बारे में जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, आ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज का हमारा टॉपिक ऐसी ही एक मशीनरी से रिलेटेड है, जो कि है एंड एन एज रनर मिल। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एंड रनर मील और एज रनर मील। आज हम इन दोनों का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, इनका वर्किंग और इनका यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एंड रनर मील। तो जो एंड रनर मील है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है पेस्टल एंड मोर्टार का। जो पेस्टल एंड मोर्टार हम जनरली अगर हम कंपेयर करें हमारे होम यूटेंसिल्स से, तो इट वाज लाइक मोस्टली जो हम कहते हैं अमामदस्ता एंड मोस्टली, तो उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है एंड रनर मील। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्रशिंग और शेयरिंग के बेसिस पे वर्क करता है। द प्रिंसिपल ऑफ एंड रनर मील इज़ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ क्रशिंग एंड शेयरिंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, इट कंसिस्ट ऑफ अ मोर्टार। इसमें एक मोर्टार होता है विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील और ग्रेनाइट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ पेस्टल विच इज़ हैवी और डम्बल शेप्ड एंड इज़ माउंटेड ई सेंट्रिकली इन मोर्टार थ्रू अ हिंज जॉइंट। ये एक हिंज जॉइंट के थ्रू मोर्टार से कनेक्टेड होता है। मोर्टार स्टील और ग्रेनाइट का बना हुआ होता है, पेस्टल हैवी होता है और डम्बल शेप का होता है। मोर्टार जो है वो रोटेट होता है एक मोटर के थ्रू, पेस्टल अपने आप को फ्रिक्शन के थ्रू रोटेट करता है, और जो पेस्टल है वो फ्री होता है अप एंड डाउन के लिए, राइज के लिए एंड फॉल के लिए मोर्टार पर। ये जो है ये एक ग्राइंडिंग एक्शन है कि जब पेस्टल राइज एंड फॉल होगा तभी मोर्टार के अंदर जो भी मटीरियल होगा वो क्रश होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसके कंस्ट्रक्शन में स्क्रैपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो स्क्रैपर्स होते हैं वो पेस्टल के साथ अटैच्ड होते हैं। स्क्रैपर्स का यहाँ वर्क ये है कि जो मटेरियल पेस्टल के साथ में अटैच हो गया है, चिपक गया है, जब भी पेस्टल बार बार कोई ऐसा वेट या स्टिकी मटेरियल हुआ उसके ऊपर बार बार उसकी चोट पड़ेगी तो वो उसके साथ चिपक जाएगा। स्क्रैपर्स उसको कंटिन्यूसली रिमूव करते जाएंगे एंड मोर्टार में वापस गिराते जाएंगे ताकि उसका दोबारा उसकी ग्राइंडिंग हो सके बाकी पार्टिकल्स के साथ। एट द एंड ऑफ ग्राइंडिंग पेस्टल रेज टू रिमूव पाउडर मटेरियल। लास्ट में क्या होगा, ग्राइंडिंग के पेस्टल को रेज कर दिया जाएगा और जो भी पाउडर मटेरियल पाउडर हो चुका है, जो भी हमने मटेरियल का हमें पाउडर करना था उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन। सो नाउ हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग इसकी ऐसी है कि मटेरियल को मोर्टार में डाला, मोर्टार जो है वो मैकेनिकली रोटेट होता है। नेक्स्ट जो पेस्टल है वो अपने आप रोटेट होता है बाय फ्रिक्शन। मटेरियल क्रश और रब होता है बिटवीन पेस्टल एंड रोटेटिंग मोर्टार। स्क्रैपर स्टिकिंग मटेरियल को पेस्टल से कंटिन्यूसली रिमूव करेगा। एट द एंड पेस्टल को रेज कर दिया जाएगा और फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो मोर्टार है उसको खाली कर लिया जाएगा और उसकी सफाई कर दी जाएगी। जो ग्राउंड मटेरियल है उसे एक छलनी के थ्रू पास किया जाएगा और जो भी पाउडर मटेरियल हमें जिस साइज का चाहिए वो हमें मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अ एंड रनर मील। सो व्हाट इज़ द यूज़, कोई हमसे पूछे कि इसका यूज़ क्या है, तो इसका एक यूज़ है कि पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस करना। कोई भी हार्ड मटीरियल है उसके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना एंड वेट ग्राइंडिंग। इस मील में वेट ग्राइंडिंग पॉसिबल है। सो ये सब कुछ था एक एंड रनर मील के बारे में। अब हम देखते हैं, ये एक एंड रनर मील का डायग्राम है। इसमें हमें मोर्टार पेस्टल सब कुछ दिख रहा है, जो कि जो मोर्टार है वो मोटर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है एज रनर मील। एज रनर मील को चेसर मील भी बोलते हैं। इसको चेसर मील क्यों कहते हैं, इसके पीछे ये रीज़न है कि दो हैवी व्हील्स होती हैं जो कि स्टील और ग्रेनाइट की बनी हुई होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली रखी हुई होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती हैं,
और जो कि इसको रिवॉल्व करने के लिए, मतलब जो दो व्हील्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रिवॉल्व करने के लिए वो शाफ्ट हेल्प करती है। मीन्स ये एक दूसरे को चेस करते हैं कि एक रोटेट होगा ऊपर का, वो उसको चेस करता हुआ जाएगा, इसलिए उसके व्हील बेस के ऊपर उसको चेस करेगा, इसीलिए इसको चेसर व्हील भी कहते हैं। जो इसका प्रिंसिपल है वो है क्रशिंग और फ्रिक्शन के बेसिस पर। इसका कंस्ट्रक्शन है जैसे कि ऊपर बताया चेसर मील। चेसर मील में क्या बताया, क्या देखा हमने कि दो हैवी व्हील्स होती हैं, एक के ऊपर एक होती है, एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होती है, वर्टिकली अरेंज होती हैं जो हैवी व्हील्स होती हैं या स्टोन्स कहें, जो स्टोन्स होते हैं या व्हील्स हैं, इनका जो डायमीटर है वो 0.5 से 0.25 मीटर तक वेरी करता है। जो लार्ज साइज का रोलर होता है उसका वेट 6 टन्स का होता है और ये यूजुअली रोटेट करता है, बट समटाइम्स बेड मेड टू रोटेट, इसका बेड रोटेट करता है। जो हाइट होती है रोलर और बेस के बीच में वो डिटरमाइन करती है कि पार्टिकल का क्या साइज है, जो मटेरियल हमने लिया है उसके पार्टिकल का साइज क्या है वो रोलर और बेस के बीच की हाइट डिटरमाइन करती है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि और जो पार्टिकल की फाइननेस है कि हमें कितना सूक्ष्म चून चाहिए, उसकी जो फाइननेस है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसको इंक्रीज और डिक्रीज हाइट को एडजस्ट करके कर सकते हैं, किसकी हाइट को, रोलर और बेस की हाइट को। नेक्स्ट जो वर्किंग है एजरनर मिल की, वो वर्किंग ये है कि मटेरियल पुट ऑन बेस एंड कैप्ड इन पाथ ऑफ रनर्स बाय स्क्रैपर्स। पार्टिकल साइज रिड्यूस ड्यू टू क्रशिंग बाय वेट ऑफ रोलर्स, बट मोर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन रोलर एंड बेस स्टोन्स। आफ्टर ग्राइंडिंग मटीरियल टेक आउट एंड सीव, कोर्स पाउडर ऑब्टेन आफ्टर सीविंग इज अगेन बट इन मील फॉर री ग्राइंडिंग। इसका वर्किंग अपन एक तरीके से देखा जाए तो घर में पहले पुरानी वो जो चक्की नहीं होती थी, जो दो पत्थर एक के ऊपर एक रखा जाता था, उसका एक हाथ होता था, उसको उसके ऊपर पीसते थे तो आटा, मतलब गेहूं डालते थे बीच में से और आटा निकलता था, समथिंग इस कुछ उस टाइप की ये मील है। इसका जो यूज़ है वो है, ये है कि इट प्रोवाइड्स मॉडरेटली फाइन पाउडर ऑफ एक्सट्रीमली टफ और फाइबरस मटीरियल एंड वेट ग्राइंडिंग विद वेरी वी वेरी विस्ट्रियस मटीरियल सच एज ऑइंटमेंट एंड पेस्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। कि जो वेट ग्राइंडिंग होती है, पेस्ट वगैरह बनाना, कल्क बनाना, ये पॉसिबल होता है इससे। और फाइबरस टफ मटीरियल का बहुत फाइन पाउडर भी इससे मिल सकता है। तो ये एजरनर मील का एक्सप्लेनेशन था कंप्लीट। ये एजरनर मील जैसल मील है, उसका डायग्राम है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Also let us know in the comment box कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।